ओम शांति जय जिनेन्द्र हमें अत्यंत खुशी है कि आज हम जैन धर्म के पवित्र त्योहार पर्वाधि परूषण के निमित्त ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से आप सभी से रूबरू हो रहे हैं व्रत तप और आनंद उत्साह का ये आठ दिन का महापर्व हम सभी जब मना रहे हैं ब्रह्मा कुमारी जैन भाई बहने जुड़े हुए हैं आज हम उन सभी को विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस महापर्व की बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि इन आठ दिनों के पर्व में हम प्रतिदिन ऐसा आध्यात्मिक चिंतन करें प्रभु के उन पावन संदेशों को दोहराएं मन को निर्मल भावों से भरे। इसलिए आठ दिनों की ये सुंदर श्रृंखला आप सब के लिए प्रस्तुत है जैन धर्म जो कि भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है जिनके जो भी तीर्थंकरों का आज हम याद करते हैं गायन करते हैं और उन तीर्थंकरों की वाणी से जैन धर्म के अनेका अनेक ऐसे अध्याय जो आज जन उपयोगी और जैन समाज के लोगों के लोगों जीवन में उसके द्वारा जो सात्विकता आई है जो धर्म पालन के मार्ग पर चलकर अनेका अनेक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं वर्षा काल के इन दिनों में जैन महाराज साधु साध्वी जी जब चातुर्मास प्रवेश करते हैं तभी से ही ये ज्ञान की गंगा बहने लगती है जब उसमें भी ये भाद्रपद त्रयोदशी का दिन आता है परूषण पर्व आरंभ होता है श्वेतांबर हो दिगंबर हो मंदिर मार्गी हो स्थानकवासी हो सभी जैन पर्यूषण पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं इसीलिए इसे जैन एकता का पर्व भी कहा जाता है क्योंकि सभी जैन सभी संप्रदाय में भले अलग अलग हो परंतु पर्युषण का विशेष तपस्या का और साथ साथ अनेक उमंग उत्साह की तरह इसे मनाया जाता है दिगंबर संप्रदाय पर्यूषण को पंचमी से मनाते हैं और बाकी सभी संप्रदाय पहले आठ दिन में मनाते हैं दिगंबर संप्रदाय में इसे दस लक्षण पर्व भी कहा जाता है हम सभी जैन बंधुओं को परूषण पर्व की बधाई भी देते हैं और साथ ही जैन जो कि शब्द ही हमें सूचित करता है कि जो जिन को मानने वाले हैं जिन अर्थात कोई व्यक्ति तो है नहीं जिन्होंने भी अपने कर्म इंद्रियों को जीता है वही तो जैन है तो आइए हम इन दिनों में अपने आप को ऐसा विजयी बनाएं, अपनी कर्मेंद्रियों के अनेका अनेक स्वाद के रसों के गुलाम बनकर हम वर्ष भर जीते हैं लेकिन सात्विक और शुद्ध आहारी मित आहारी बनकर त्याग के मार्ग का भी आनंद लें, जिसने यह स्वाद लिया वही जानता है कि वास्तव में ये सात्विकता कितनी सुंदर चीज है जैन धर्म के अनुयायी जो कि वैसे भी शुद्ध भोजन और दिन के अनेक ऐसे क्रियाकल्प रोज ही करते हैं चाहे वो सामयिक हो चाहे वो पचखान की बात हो या प्रतिदिन का रात्रि प्रतिक्रमण हो रात्रि भोजन से मुक्त रहना और अनेक इंद्रियों वाले जीवों की हत्या न हो इसलिए कंद मूल आदि आहार का त्याग करना ये बहुत ही सुंदर जैन धर्म के नियम है जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी है समाज उपयोगी भी है और साथ ही साथ मन की वृत्तियों को शांत रखने वाले हैं हम देखते हैं आज के समय में उन देशों में अत्यधिक हिंसा अपराध होते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक मांसाहार का सेवन होता है मांसाहार व्यक्ति के मन को अनेक ऐसे बुरे भावों की तरफ ले जाता है शरीर को भी इस तरह के पदार्थों से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है ये तो धीरे धीरे आज का मानव भी समझने लगा है परंतु हम देखते हैं भारत में भी विशेष करके जैसे गुजरात राजस्थान कुछ हिस्से में महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में जहाँ जहाँ जैन धर्म अधिक दिखाई देता है और वहां के लोगों के अंदर जो सात्विकता है जो सरलता है और उस क्षेत्र में अपराधों की भी बहुत ही कमी है ये मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे सिद्धांत जिसमें हम हिंसा से मांसाहार से अनेक प्रकार की उग्रता से दूर रहते हैं जैन साधु जो कि मैं कहना चाहूंगी हजारों लाखों की संख्या में होंगे आज जगह जगह विहार करते हैं व्याख्यान देते हैं उनके त्यागी और तपस्वी जीवन को देख कर के भी मन अहोभाव से भर जाता है वह एक मानव होते हुए इतनी कम जरूरतों में और कितने ऊंचे लोक कल्याण के मार्ग पर चलने वाले ये महान आत्माएं हैं इन महान आत्माओं का जहां जहां विहार होता है यही वो क्षेत्र है जहां पर लोगों में हिंसा की भावनाएं बहुत कम है वे बिना कारण किसी भी अपराध या इस तरह के झगड़े क्लेश आदि में कभी भी सम्मिलित नहीं होते तो ऐसे जैन धर्म के संदेश वास्तव में अति उत्तम है हम सभी भी महावीर स्वामी जी के द्वारा जो कि ये क्रिया कांड और अनेक प्रकार की पशु बलि और विकार हिंसा के पथ पर जब मानव चल पड़ा था तब प्रवर्तित किया गया ये जैन धर्म का संदेश अवश्य सुने हम मानते हैं कि वास्तव में जीवन में ऐसे ज्ञान का प्रकाश ही है जो मन के अंधकार को मिटाता है आइए हम मन के अंधकार को मिटाने वाले इस पर्व को सच्ची दिवाली के रूप में मनाएं। वास्तव में मन का उजाला होता है तभी जीवन के अंदर सभी प्रकार का अंधकार मिट जाता है इन दिनों में हम विविध प्रकार के तप करते हैं ऐसे भी तपस्वी है जो महीनों की साधना आराधना करते हैं बिना कुछ खाए केवल कुछ गरम पानी पीकर या बिल्कुल ही निराहार रहकर औषध आदि व्रत लेकर भी इन दिनों में हम आराधना करते हैं हम उन सभी तपस्वियों को भी विशेष इन दिनों में सम्मान देते हैं साधुवाद करते हैं तपस्या का मन में प्रादुर्भाव होना ही एक बहुत ही कल्याण का सूचक है क्योंकि आज का मानव तपस्या कम भोग के ही मार्ग पर चल पड़ा है जिस भोग ने आज उसकी समस्त शक्तियों का ह्रास कर दिया है व्यक्ति भोग में इतना ज्यादा अपने मन को कमजोर कर चुका है कि वो इंद्रियों का ही गुलाम बन गया है वो परिस्थितियों के वक्त सामना नहीं कर पाता है आज के मानव के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है वो छोटे छोटे कारणों में भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है फिर उसका शरीर भी अनेक रोगों का घर बनता जा रहा है। तो क्यों नहीं धर्म के मर्म को जाने मैं आत्मा हूं मैं परम शक्ति से कैसे जुड़ूं? मैं अपने मन के कषायों को कैसे दूर करूं इन दिनों में हम इन प्रश्नों में अपने आप को आगे बढ़ाए ये मात्र जश्न का नहीं अपने आप से प्रश्न करने का समय है ये अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर केवल बाहरी दिखावा करने का पर्व नहीं है ये अंतर आत्मा को नए नए विचारों से श्रृंगारने का पर्व है लौकिक पर्वों में तो हम बाह्य रूप से बहुत आडंबर करते हैं ये एक आध्यात्मिक पर्व है इसमें हम मन को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं विकारों के दल दल में फंसी हुई आत्मा को शुद्धता और पावनता के पथ पर ले जाकर उस परमात्मा के ऊंचे पद के समान अपने आप को बनाते हैं आइए मन को उस पतित रास्तों से मोड़े पावन मंजिल को देखें। मैं इस संसार में क्यों आया हूं मेरे ऊंचे उद्देश्य को मैं पहचानूं इस जगत में व्यापक प्रकृति के पांच तत्व हो या प्राणी मात्र हो जीव मात्र हो सभी के कल्याण की कामना करे मन से सोचे किसी के प्रति भी मेरे मन वचन या काया से कोई भी कष्ट ना पहुंचे किसी की हिंसा ना हो जाने अजाने भी मैं झूठ न बोलूं मैं सत्य की ओर अग्रसर रहूं अत्यधिक चीजों का परिग्रह न करूं जरूरत मंदों को या धर्म की उन्नति के लिए दान या प्रभाव न करू क्योंकि जब मुझे जो भी प्राप्त हुआ है मेरे लिए पर्याप्त है उससे अधिक जो है उसे मैं लोक कल्याण में धर्म को आगे बढ़ाने में अगर प्रयोग करूंगी तो मेरे श्रेष्ठ कर्म भी होंगे और कर्म की निर्जरा भी होगी आइए ये पावन दिन मिले हैं सुंदर हरियाली चारों और छाई हुई है ऐसे में मन की साधना करें मन को भी सुंदर सुंदर फूलों से मन के पुष्पों से साधना की विविध गतिविधियों से सजा दें और जीवन के गुलदस्ते को ऐसा बहकाए कि जो भी कोई व्यक्ति जो भी कोई मुझसे मिले जहाँ भी मैं विचरण करूँ उनको भी मेरे जीवन की सुगंध मिले मुझसे वो भी अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करे कुछ नहीं तो हम सबको खुशी दें हम सबको आनंद दें हम सबको शांति दे सके प्रेम बांट सके ऐसा जीवन बनाएं। क्योंकि ये देना ही तो जीवन है आइए ऐसी सुंदर घड़ियों में अपने आप को थोड़ा अंतर्मुखी करें। वर्ष भर बहुत बाह्यमुखी मुखी रहे अब इन दिनों में अंतर की साधना करने का अवसर है लाभ उठाएं और मन को ध्यानस्थ करें। ओम शांति